और अच्छी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ले लिया स्लाइड से। अब हम के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम की रिटन एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे आपको डेटा सेट पर बता दूँ, यहाँ पॉइंट्स हमने लिए हैं, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ग्राफ्स में रैंडम पॉइंट्स को हम क्लस्टर का सेंट्रॉइड्स बनाते हैं और वहाँ से जो सेंट्रॉइड पॉइंट्स हैं उन्हीं से सारे का सारा डेटा जो है उन पॉइंट्स के साथ क्लस्टर बना लेते हैं जो जिनके साथ उसका सेंट्रॉइड पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस कम से कम होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा डेटा सेट को, तो एस वन से लेके टेन तक मेरे पास वैल्यूज़ हैं, सॉरी एट तक, वन से एट तक। फर्स्ट वन जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ ए वन टू टू टेन, ए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देती हूँ तो आपको नज़र आए कि किस तरह से हम रैंडमली अनसुपरवाइज डेटा क्लस्टर्स बनाता है सेंट्रॉइड पॉइंट्स के की वैल्यू के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उन सेंट्रॉइड से जिसका डिस्टेंस कम हो वो पॉइंट उस सेंट्रॉइड को उस क्लस्टर को असाइन कर दिया जाता है। फर्स्ट एक्स एक्सिस फर्स्ट वैल्यूज़ को हम एक्स वैल्यूज़ ले लेते हैं और सेकेंड वैल्यूज़ को हम वाई वैल्यूज़ ले लेते हैं। सो फर्स्ट वन जो मैपिंग है इसकी हॉरिजेंटल लाइन पे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन पे जो है वाई एक्सिस है। ए वन में देखिए हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 10 है, यानी कि एक्स एक्सिस के 2 के अगेंस्ट वाई एक्सिस के 10 पे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट मैप होगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको फ्री हैंड में करें यहाँ पे ए टू है, तो इसको हम अगर आप नाम भी देना चाहें तो ए वन साथ में लिख दें। ए टू है 2 to 5, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे 5 के ऊपर ये मैपिंग होगी यहाँ पे ए टू की। देन ए थ्री देखें 8 and 4, यानी एक्स एक्सिस पे 8 एंड वाई एक्सिस पे 4, 8 and 4, तो इसकी मैपिंग यहाँ पे ए थ्री की मैपिंग हो जाएगी। लाइकवाइज ए फोर है 5 and 8, यानी कि एक्स एक्सिस पे 5 एंड वाई एक्सिस पे 8, सो ए फोर की वैल्यू यहाँ पे मैप कर जाएगी। ए फाइव है एक्स एक्सिस पे 7 एंड वाई एक्सिस पे 5, सो 7 into 5 यहाँ पे हम इसको ए फाइव को मैप करेंगे। सो एग्जैक्टली आप इसको कर सकते हैं ग्राफिक पर अगर आपको मिलता है तो उसके ऊपर, अदरवाइज फ्री हैंड में हम इसको इसी तरह से लेके चलेंगे। नेक्स्ट ए सिक्स की वैल्यू को देखें तो दैट इज़ एक्स एक्सिस पे 6 है एंड वाई एक्सिस पे 4 है, एक्स एक्सिस पे 6 एंड वाई एक्सिस पे 4, तो इसकी मैपिंग होगी यहाँ पे ए सिक्स की। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखें ए सेवन है एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे 2, सो 1 and 2 ए सेवन, एंड लास्ट वन ए एट अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे 4 एंड वाई पे 9, 4 and 9 तो ये हमारी ए एट की मैपिंग। तो ग्राफिकली हमारा डाटा जो है वो इस तरह से 2 एक्सिस पे एक्स एंड वाई एक्सिस पे मैप होगा। अब हमने करना क्या है कि जो क्लस्टरिंग है इसमें हम जो हमने के मींस क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम भी पढ़ा था उसमें ये होता ही है कि सेंटर पॉइंट्स इनिशियलाइज हम कर देते हैं और उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स का उन सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको के मींस क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम याद है या प्रीवियस जो स्लाइड्स है हैंड आउट्स है वहाँ से अगर आप सामने इसको देखें तो इनिशियलाइज होता है, सबसे पहले के की वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करनी होती है। तो के की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 लें जिस तरह से के नियरेस्ट नेबर में हम करते थे, तो के की वैल्यू अगर हम 3 सेट करें इट मीन्स के हम इस पूरे डाटा सेट को 3 क्लस्टर्स में हम डिवाइड करना चाह रहे हैं ताकि सम अप हो जाए 3 क्लस्टर्स में। तो शुरू में हमें सीड पॉइंट्स या रैंडम पॉइंट्स देने पड़ेंगे जिनको हम क्लस्टर के सेंट्रॉइड्स बोलते हैं। तो अगर हम कहें कि क्लस्टर 1 हमारा ए वन को ही अगर हम क्लस्टर 1 कंसीडर कर लें, इनको मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ ताकि आसानी रहे ट्रैक करना। ए वन हमारा सेंटर 1 हो जाए, उसके बाद देखें हम तो ए फोर को हम एक सेकंड क्लस्टर कर लेते हैं और लाइकवाइज ए सेवन को हम एक थर्ड क्लस्टर में इसको हम मार्क कर लेते हैं एज अ सेंट्रॉइड। तो 3 हमारे पास सिस्टम में हमने सेंट्रॉइड्स की वैल्यू 3 थी, यानी कि हम चाहते हैं कि ये सारे का सारा डाटा 3 क्लस्टर्स में ग्रुप हो जाए, इसके क्लस्टर्स बन जाएँ। तो इनिशियली हमने क्लस्टर पॉइंट्स जो है वो मार्क किए हैं, ए वन को किया है, ए फोर को किया है एंड ए सेवन को, यानी इस डाटा में अगर हम देखें तो इसमें सी वन क्लस्टर 1 हमने कंसिडर किया है ए वन को, सी टू हमने ए फोर को एंड सी क्लस्टर 3 हमने बनाया है ए सेवन को। तो हम इस सारे डेटा को मैपिंग देखेंगे कि एल्गोरिथम के थ्रू किस तरह से हम इन सब को इन 3 क्लस्टर्स के अंदर मैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
सो लेट मी शो, यहाँ पे मैंने इसको इसका एक टेबलर फॉर्म में लिख दिया है। क्लस्टर वन की वैल्यू हमने असाइन की A1 की 2 and 10, क्लस्टर टू है हमारा 5 and 8, एंड क्लस्टर थ्री जो है 1 and 2। ये रैंडम पॉइंट्स होते हैं, ये आप किसी को भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन जितने बेस्ट चूज़ किए होंगे उतना ही अच्छे आपके क्लस्टर वेल डिफाइंड सेंट्रिक किस्म के बनेंगे। है डिफरेंट आइट्रेशन के साथ ये कन्वर्ज होता जाएगा एल्गोरिदम, और सेंट्रॉइड जो है जो हमने इनिशियली ये 3 पॉइंट्स लिए हैं ये भी अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में देखेंगे कि नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू करने से पहले जितने भी क्लस्टर्स होंगे उनके हम मीन वैल्यू लेके इन सेंट्रॉइड पॉइंट्स को जिनको हमने इनिशियलाइज़ किया है ग्राफ में भी किया है इनको हम अपडेट कर देंगे। यानी कि एक दफ़ा एक फर्स्ट आइट्रेशन में सारे इन पॉइंट्स के देख लें कि कौन कौन सी वैल्यू किस किस क्लस्टर के नियरेस्ट है उसमें मैप होती है, और उसके बाद हम इन पॉइंट्स को भी सेंट्रॉइड्स को अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे यह है कि हर एक पॉइंट का हम हर एक क्लस्टर के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जस्ट लाइक A1, 2, 3 से 8 तक जितने भी पॉइंट्स हैं उनके क्लस्टर 1 से भी हम डिस्टेंस निकालेंगे, क्लस्टर 2 से भी निकालेंगे एंड क्लस्टर 3 से भी निकालेंगे। और डिस्टेंस के लिए अरे जी एक दफ़ा हम सेट कर देंगे क्लस्टर के सेंटर्स, यानी कि रैंडमली हमने C1, C2 एंड C3 को फर्स्ट आइट्रेशन में हमने सेंट्रॉइड्स इनको सिलेक्ट किया है। अब हमने करना क्या है कि हर एक पॉइंट A1 से लेके A8 तक सबका क्लस्टर 1 से डिस्टेंस निकालेंगे, 2 से निकालेंगे और 3 से निकालेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आइट्रेशन 1 और कैलकुलेशन हम यहाँ पे इसकी कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा क्लस्टर 1 है वह A1 ही है, यानी कि सेम वैल्यूज़ हैं क्लस्टर 1, 2 एंड 10, और क्लस्टर जो पॉइंट A1 वो भी 2 एंड 10 है, तो इनका जो डिस्टेंस है वो हमारा 0 डिस्टेंस आ जाएगा। सो इक्विलेटरल डिस्टेंस के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं। इक्विलेटरल डिस्टेंस का जो फार्मूला है अगर आपको याद हो कि नियरेस्ट नेबर में भी हमने इसको किया था, यानी क्लस्टर का फर्स्ट पॉइंट माइनस जो हमारे पॉइंट्स हैं उसका फर्स्ट पॉइंट A1 तो जो पॉइंट X है, ठीक है जी, इसका स्क्वायर प्लस एंड जो क्लस्टर का पॉइंट 2 है जिसको आप Y पॉइंट भी इसका कह सकते हैं, उसमें से माइनस करेंगे A1 का सेकंड Y पॉइंट और उसको हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारा इक्विलेटरल डिस्टेंस का फार्मूला है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्लस्टर 1 का A1 के साथ डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखें A1 के पॉइंट से 2 and 10, क्लस्टर 1 के पॉइंट से 2 and 10। क्लस्टर 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है 2 CX माइनस AX इज 2 स्क्वायर प्लस क्लस्टर का जो Y पॉइंट है 10 CY10 माइनस AY, यानी कि A का Y पॉइंट इज 10 एंड स्क्वायर। सो सिमिलर जो वैल्यूज़ है इस वजह से जो ओवरऑल डिस्टेंस है दैट वुड बी 0। ठीक है जी, इसी तरह से अब हम A2 का क्लस्टर 1 से निकाल लेते हैं। हम ऐसे करते हैं कि बारी बारी सारे पॉइंट्स का क्लस्टर 1 से डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सब पॉइंट्स का क्लस्टर 2 से एंड एंड क्लस्टर 3 से। सो यहाँ पे क्लस्टर 1 का हम A2 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो क्लस्टर CX वैल्यू इज 2 और A2 की फर्स्ट वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस क्लस्टर 1 की जो Y वैल्यू है CY दैट इज 10 माइनस A2 की जो Y वैल्यू है दैट इज़ 5 और उसका स्क्वायर। सो 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 10 माइनस 5 5 का स्क्वायर, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 25। ठीक है जी, लाइकवाइज हम क्लस्टर 1 का पॉइंट A3 से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो आ जाएगा क्लस्टर 1 का फर्स्ट वैल्यू है 2 माइनस A3 की फर्स्ट वैल्यू है 8 स्क्वायर प्लस 10 क्लस्टर 1 की सेकंड वैल्यू माइनस A3 की सेकंड वैल्यू 4 स्क्वायर। सो 2 माइनस 8 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। सो 6
36 इक्वल्स टू 72. मैं इसको चेक कर लूँ, -6 36 36, ठीक है जी. सो फार्मूला आपको जो भी फार्मूला दिया जाएगा उसमें इसी तरह से अपने वैल्यूज पुट करके तो उनको कैलकुलेट कर लेना है. अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग डिस्टेंस का स्केयर रूट भी ले लेते हैं तो फिर वैल्यूज़ को आपने स्केयर रूट भी लेके उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ करनी है. तो मैं कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है इस टाइम, एक ही मोबाइल है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको स्केयर रूट लेने की बजाय सिर्फ स्केयर ले रही हूँ और वैल्यूज़. लेकिन हमें यह है कि पता चल जाएगा डिस्टेंस किसका कम आ रहा है किसका ज़्यादा आ रहा है. सो इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे. क्लस्टर वन का हम डिस्टेंस निकालेंगे विद पॉइंट A4. सो क्लस्टर वन की फर्स्ट वैल्यू इज 2 माइनस A4 का फर्स्ट वैल्यू 5 इसका स्केयर, प्लस क्लस्टर वन की सेकंड वैल्यू इज 10 माइनस A4 की सेकंड वैल्यू है 8. ये आ जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 8 2 का स्क्वायर एज अ होल. -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13. अगर जी डिस्टेंस मैंने क्लस्टर वन का सब पॉइंट से कैलकुलेट कर लिया है, आपके साथ मैं हैंड आउट्स शेयर कर दूँगी. फार्मूला सेम है, वैल्यूज़ आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ईजीली और इनको इनके साथ मैप कर लें. तो यहाँ पे क्लस्टर वन का सब पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस यहाँ पे मैंने पुट ऑन कर दिया है. अब सेकंड हम क्या करेंगे कि हम क्लस्टर टू के साथ सब पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे और इसी तरह से हम क्लस्टर थ्री के साथ सब पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे. तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. सो वी हैव क्लस्टर टू विद वैल्यूज 5 and 8 और उसका हम डिस्टेंस निकालेंगे A1 के साथ. फार्मूला अगेन वही है, क्लस्टर सॉरी C की x वैल्यू माइनस A की x वैल्यू का स्क्वायर प्लस C की y वैल्यू क्लस्टर की माइनस A जो पॉइंट है हमारे उसकी y वैल्यू स्क्वायर उसका. तो जस्ट लाइक क्लस्टर टू का एक्स वैल्यू है 5 एंड वाई वैल्यू है 8, तो ए वन पॉइंट की एक्स वैल्यू और वाई के साथ उनका हम डिफरेंस निकाल के स्केयर ले लेंगे उसका. सो क्लस्टर के एक्स वैल्यू इज 5 माइनस ए की जो एक्स वैल्यू है दैट इज 2 स्केयर प्लस क्लस्टर की वाई वैल्यू है 8 माइनस ए की वाई वैल्यू है 10 और उसका स्केयर. तो यहाँ पे 5 - 2 3 का स्केयर प्लस 8 - 10 - 2 का स्केयर 3 square 9 + 2 square 4 इक्वल्स टू 13. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आ जाएगा 13. लाइकवाइज हम इसी तरह से क्लस्टर 2 का सारे पॉइंट्स पॉइंट 2 के साथ हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 5 माइनस क्लस्टर 2 का एक्स वैल्यू है सॉरी पॉइंट 2 की 2 का स्केयर प्लस क्लस्टर 2 की सेकेंड वाई वैल्यू है 8 माइनस ए टू की वाई वैल्यू है 5. सो 5 - 2 3 स्केयर प्लस 8 - 5 3 स्केयर. तो ये आ जाएगा 9 + 9 = 18. ठीक है जी, बाकी वैल्यूज़ में यहाँ पे ऐड करके कैलकुलेट करके ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली यहाँ पे हम हर एक का निकालेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. आपके लिए भी इसको डाउनलोड करना और वॉच करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट करना आपको आ गया है फार्मूला के साथ. वैल्यूज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, आप बाद में कैलकुलेट करके इसको टैली कर लीजिएगा इसके साथ. सो C2 का सब पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है. इसी तरह से हम C3 का क्लस्टर 3 का सब पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे. सो लेट्स हैव इट ओवर हियर. क्लस्टर 3 है हमारे पास C3 और उसका हम A1 के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. अब क्लस्टर 3 के जो वैल्यूज़ है हमारे पास 1 and 2 है और जो पॉइंट वैल्यूज़ हैं वो इसी तरह से जो पहले हमने की है सॉल्व उनको हम पुट करेंगे. सो C3 की एक्स वैल्यू है 1 माइनस A1 की एक्स वैल्यू है 2 1 - 2 का स्केयर प्लस क्लस्टर 3 की जो वाई वैल्यू है 2 माइनस A1 की वाई वैल्यू 10 है. ठीक, सो 1 - 2 - 1 स्केयर प्लस 2 - 10 - 8 स्केयर.
दिस वुड बी 1 + 64 and 65. सो क्लस्टर 3 की पॉइंट A1 से जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 65. एंड क्लस्टर 3 का पॉइंट A2 से जो डिस्टेंस है वो हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1 - 2 का स्क्वायर + क्लस्टर 3 के जो सेकंड वैल्यू है 2 - A2 की सेकंड वैल्यू 5, से उसका हम डिफरेंस निकालेंगे और स्क्वायर लेंगे, 1 - 2 - 1 + 2 - 5 - 3. कैलकुलेशन में अगर कोई थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो उसको खुद ही चेक कर लीजिएगा, बार बार मुझे ना बताइएगा कि मैम यहाँ पे आपने 23 लिखना था तो आपने 27 लिख दिया. तो थोड़ी रफली मैं कर रही हूँ, फ्री हैंड कर रही हूँ विदाउट एनी कैलकुलेटर, अगर थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको समझ आ गई है तो फिर ही आप उसको फिगर आउट करेंगे. सो 1 + -3 का स्क्वायर 9 = 10. बाकी वैल्यूज मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देती हूँ. सो दिस इज़ द कैलकुलेटेड डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट विद एवरी क्लस्टर, यानी क्लस्टर 1, 2 and 3 के साथ हर एक पॉइंट का हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे टेबलर फॉर्म में लिख लिया है. अब लास्ट में जिस तरह से गेनेल्स नेबर में एक वोटिंग स्कीम होती थी, इसी तरह से यहाँ पे भी असाइन होगा कि कौन सा पॉइंट हमारा किस क्लस्टर को असाइन होगा. यहाँ पे मैं साइड पे लिख देती हूँ. यहाँ पे देखिए क्लस्टर तीनों के साथ A1 का डिस्टेंस है. सो तीनों में से सबसे कम डिस्टेंस क्लस्टर 1 के साथ आ रहा है पॉइंट A1 का. सो पॉइंट A1 को हम असाइन कर देंगे क्लस्टर 1 को, या ऑलरेडी क्लस्टर 1 ही था, सेंट्रोइड था हमारा. ठीक, उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड रो में जो मिनिमम डिस्टेंस है A2 का क्लस्टर 1, 2 and 3 के साथ, तो मिनिमम डिस्टेंस उसका आ रहा है विद क्लस्टर 3, तो इसको हम इस पॉइंट को 2 को असाइन कर देंगे क्लस्टर 3 को. उसके बाद नेक्स्ट देखें थर्ड वन में A3 पॉइंट को देखें कि मिनिमम डिस्टेंस उसका आ रहा है विद पॉइंट क्लस्टर 2, तो इसको हम असाइन कर देंगे क्लस्टर 2 को. A4 का मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है विद क्लस्टर 2, तो क्लस्टर 2 में ये वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह से A5 का मिनिमम डिस्टेंस क्लस्टर 2 के साथ आ रहा है, तो क्लस्टर 2 में ये आ जाएगा, ग्रुप हो जाएगा. A6 का मिनिमम डिस्टेंस अगेन क्लस्टर 2 के साथ. A7 का मिनिमम डिस्टेंस जो है वो C3 के साथ आ रहा है, क्लस्टर 3 के साथ, सेंट्रोइड 3 के साथ. एंड A8 का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो C2 के साथ. और इसको अगर हम यहाँ पे जो हमने विजुअली बनाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी उसके हिसाब से देखें, तो उस हिसाब से भी देखें जो हमारा सेंट्रोइड 1 था ये वाला, इसके साथ C1 में सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि वो इटसेल्फ है, यानी कि ये क्लस्टर अपने ही एक मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद C2 को हम देखें तो C2 में पॉइंट C2 का जो A4 था ये, इसमें पॉइंट A3 भी इसमें आ रहा है, A3, इसके बाद A4, तो इटसेल्फ है वो, A5, A6 एंड A8. सो A3, A4, A5, A6 और A8, ये सारे ग्रुप हो रहे हैं इनटू क्लस्टर 2 के अंदर इस सेंट्रोइड के साथ. और तीसरा हम C3 अगर देखें जिसका सेंट्रोइड A7 था, तो C3 में A7 और उसके साथ साथ आ रहा है A2, यानी कि ये दो ग्रुप हो रहे हैं इस तरह से. सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो इस तरह से हैं कि हमारा तीन हमने सेंट्रोइड्स, K की वैल्यू 3 के साथ हमने तीन सेंट्रोइड्स लिए थे जिसको हमने मार्क किया था, और बाकी हर एक पॉइंट का उन तीनों सेंट्रोइड से डिस्टेंस कैलकुलेट किया था इस टेबलर फॉर्म में, हमने यहाँ पे लिखा रिटन फॉर्म में. और उसके बाद हर एक वैल्यू के साथ हमने चेक किया था जिसका डिस्टेंस कम था उसको वो उस क्लस्टर के साथ असाइन कर दिया था. ग्राफिकली भी हमने देख लिया कि किस तरह से उन्हीं वोटिंग की बेसिस पे, असाइनमेंट की बेसिस पे हमने तीन क्लस्टर्स बना लिए हैं आइट्रेशन 1 के. अब आइट्रेशन 2 में हम क्या करेंगे कि आइट्रेशन 2 में सेंट्रॉइड्स अपडेट करने हैं, यानी कि जो हमने रैंडम A1, A4 एंड A7 का सेंट्रॉइड कंसीडर किया था फर्स्ट आइट्रेशन में, उनको हम अब अपडेट करेंगे. और अपडेट किस बेसिस पे करेंगे कि C1 में जितने भी वैल्यूज़ आएंगे, C1 में सिर्फ एक ही क्लस्टर आया तो उसका सेंट्रॉइड वही रहेगा, यानी कि 2 and 10 ही उसके पॉइंट्स रहेंगे सेंट्रॉइड में. C3 में A2 आ रहा है और A7 आ रहा है. सो A2 एंड A7 के पॉइंट्स का हम मीन निकालेंगे और उसके बाद हम अपना क्लस्टर 3 की वैल्यू अपडेट करेंगे. इसी तरह से क्लस्टर 2 में A3, 4, 5,
सिक्स एंड एट की वैल्यू आ रही है, तो इन पॉइंट्स को हम लिख के इनका सेंट्रॉइड अपडेट करेंगे मेन वैल्यू निकाल के। तो मैं आपको बताती हूँ कि शो करवाती हूँ किस तरह से हम सेंट्रॉइड को अपडेट करेंगे। तो सेंट्रॉइड अपडेट किस तरह से करते हैं कि हमने यहाँ पे लिख लिया क्लस्टर वन में एक ही पॉइंट आया था, क्लस्टर टू के जो पॉइंट्स जो क्लस्टर टू में आए थे उन सब की वैल्यूज़ लिख ली और क्लस्टर थ्री के पॉइंट्स की वैल्यू। अब जो क्लस्टर वन है उसकी तो वैल्यू यही है, किसी भी मीन इसका कैलकुलेट नहीं होगा, तो इसका जो सेंट्रॉइड है क्लस्टर वन का वो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लस्टर थ्री का अगर हम देखें तो क्लस्टर थ्री में टू एंड वन थ्री एंड फाइव टू सेवन, और इसको हम डिवाइड करेंगे विद टू और इसको हम डिवाइड करेंगे विद टू, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे थ्री डिवाइडेड बाई टू एंड सेवन डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री डिवाइडेड बाई 1.5 एंड सेवन डिवाइडेड बाई टू 3.5। सो अपडेटेड वैल्यू ऑफ क्लस्टर टू हमारे पास ये आ जाएंगे। इसी तरह से क्लस्टर टू जो है क्लस्टर थ्री की वैल्यूज 1.5 एंड 3.5 सेंट्रॉइड्स अपडेट हो गए। इसको ग्राफिकली भी हम देखेंगे किस तरह से ये शिफ्ट किया है डायमेंशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। इसी तरह से क्लस्टर टू की सारी वैल्यूज़ को हम सम कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यूज जो है 8, 5, 7, 6 एंड 4, 8 + 5 + 7 + 6 + 4 डिवाइड्स बाय 1, 2, 3, 4, 5 मीन निकालना है। इसी तरह से सेकंड वैल्यूज़ को भी सम करके 4, 8, 5, 4 एंड 9 डिवाइड्स बाय 5। सो 30 by 5 and 30 by 5 तो ये आ जाएगा 6 × 6, यानी कि C2 के जो न्यू अपडेटेड पॉइंट्स है वो 6 × 6 आ जाएगा और C3 के जो अपडेटेड पॉइंट्स है वो ये आ जाएंगे। सो सेंट्रॉइड्स फर्स्ट आइटरेशन के बाद जब अपडेट हुए उसके बाद C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू एंड C3 की वैल्यू अपडेट हुई। C1 की अपडेट होकर 2 and 10 हो गई, यानी कि अब जो सेंट्रॉइड C1 का बनेगा वो 2 and 10 पे बनेगा, C2 का सेंट्रॉइड 6 and 6 पे बनेगा एंड C3 का जो सेंट्रॉइड है वो 1.5 and 3.5 पे बनेगा। ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो जो सेंट्रॉइड अपडेट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ग्राफ के ऊपर सेंट्रॉइड बनेंगे वो फर्स्ट C1 जो है वो तो 2 and 10 पे ही बनेगा C1 एंड C2 जो है वो 6 × 6 पे बनेगा, यानी 6 × 6 यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ है। एंड क्लस्टर 3 की जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट होकर 1.5 एंड 3.5 1.5 एंड 3.5 यहाँ पे। सो प्रीवियसली अगर आप देखें क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3, सो प्रीवियसली अगर आप देखें कंपैरिजन, सो क्लस्टर 1 था यहाँ पे, तो C1 जो है सेकेंड एडिशन में भी वहीं पे है, लेकिन C2 को देखें ये शिफ्ट होकर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया है। और इसी तरह से जो C3 का था वो 2 and 1, 1 and 2 से शिफ्ट होके 1.5 थोड़ा अप जो है वो चला गया है। सो अब क्या करेंगे, सेकेंड एडिशन में भी हम हर एक पॉइंट का हर एक क्लस्टर से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड एडिशन में जो क्लस्टर पॉइंट्स हमने कैलकुलेट किए थे यहाँ पर, उसी तरह से दोबारा एक टेबल बनाएंगे जिस तरह से हमने प्रीवियसली बनाया था, और हर एक पॉइंट का इन क्लस्टर से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा पॉइंट शिफ्ट हुआ है, जो पहले क्लस्टर 2 में था क्लस्टर 3 में आ रहा है या वही सेम विदाउट एनी चेंज आइटरेशंस रही हैं। सो आइटरेशन 2 में भी हमने क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 जो अपडेटेड इसके सेंट्रॉइड हैं एंड क्लस्टर 3 के अपडेटेड सेंट्रॉइड्स लिख लिए हैं। इसी तरह से हम क्लस्टर 1 का सारे पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस निकालेंगे, क्लस्टर 2 का सबके साथ निकालेंगे एंड क्लस्टर 3 का सबके साथ निकालेंगे। सो क्लस्टर 1 का अगर हम डिस्टेंस निकालें A1 to up to 8 के साथ, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा क्योंकि क्लस्टर 1 का जो सेंट्रॉइड था वो चेंज नहीं था हुआ, इसलिए जो डिस्टेंस था वही आएगा जो प्रीवियस आइटरेशन में हमने कैलकुलेट किया था सारे पॉइंट्स के साथ। A1 to 8 का क्लस्टर 1 के साथ डिस्टेंस ही आ गया। क्लस्टर 2 का हमने अगर डिस्टेंस निकालना है विद एवरी पॉइंट, तो उसके लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो पहले हम कर चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ क्लस्टर 2 विद A1। अब क्लस्टर 2 के सेंट्रॉइड है 6 and 6, सो 6 माइनस A1 का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ 2 स्क्वायर प्लस क्लस्टर 2 का सेकेंड जो वैल्यू है 6 माइनस A1 की जो सेकेंड वैल्यू है दैट इज़ 10, तो 6 − 2 = 4 का स्क्वायर प्लस 6 − 10 = 4 का −4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4
इंटू फोर 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 32। सो क्लस्टर टू का A1 से जो डिस्टेंस है वो 32 आ जाएगा। अलर्ट जी, क्लस्टर टू का 6 × 6 के पॉइंट्स के साथ बाकी सारे पॉइंट्स का मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे ऐड कर लिया है। आप खुद से भी कैलकुलेट करके इसको एक दफ़ा टैली कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूँ कि मेन जो एल्गोरिदम है के नियरेस्ट नेबर की तरह है इजी, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो इतनी अपनी प्रैक्टिस रखिएगा कि जो आपका पेपर का या क्विज़ का टाइम है उसमें ये सारी आइट्रेशन, डेफिनेटली 2 to 3 आइट्रेशन तो मैं आपको दूँगी, तो इतनी प्रैक्टिस आपकी हो कि ये 2 to 3 आइटेशन आप विद इन टाइम कंप्लीट करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। सो इसी तरह से हम क्लस्टर 3 के जो सेंट्रॉइड है 1.5 एंड 3.5 इनका बाकी सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ। अलर्ट जी, सारे पॉइंट्स का मैंने क्लस्टर 3 के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब सारे क्लस्टर्स 1, 2 एंड 3 का हर एक पॉइंट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट हो चुका है। अब हम असाइन करते हैं क्लस्टर वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे देखें मिनिमम जो वैल्यू है डिस्टेंस है वो क्लस्टर 1 के साथ है पॉइंट A1 का विद क्लस्टर 1, तो क्लस्टर A1 को हम असाइन कर देंगे क्लस्टर 1 के साथ। अब सेकंड देखें, मिनिमम डिस्टेंस जो है A2 पॉइंट का 2.5 है विद क्लस्टर 3, सो क्लस्टर 3 असाइन हो जाएगा A2 के साथ। थर्ड A3 की वैल्यूज अगर डिस्टेंस हम देखें तो क्लस्टर 2 के साथ उसका डिस्टेंस सबसे कम है, तो A2 पॉइंट जो है वो क्लस्टर 2 का साइन हो जाएगा क्लस्टर 2। यहाँ पे भी मिनिमम जो है A5 का वो डिस्टेंस C2 के साथ ही है, A6 का भी C2 के साथ ही है, A7 का देखें मिनिमम डिस्टेंस जो है वो क्लस्टर 3 के साथ है, और यहाँ पे A8 का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो विद क्लस्टर 1 के है। तो एक चीज़ आपने अगर नोटिस की है कि प्रीवियसली जो प्रीवियस आइटेशन थी इसमें क्लस्टर 1 में सिर्फ एक ही पॉइंट था और क्लस्टर 3 में 2 पॉइंट थे, और जो क्लस्टर 8 है ये भी क्लस्टर 2 में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब वैल्यूज़ अपडेट हुई है क्योंकि सेंट्रॉइड हमारे लास्ट आइटेशन पे चेंज हुए थे। उन सेंट्रॉइड के बेसिस पे अब जो A8 है वो क्लस्टर 1 में जा रहा है, यानी क्लस्टर 1 में भी अब 2 पॉइंट्स हैं। इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली C1 में ये तो आ रहा था, इसके साथ साथ जो पॉइंट है हमारा A8 का 4 एंड 9 तो ये पॉइंट भी जो है वो पहले क्लस्टर 2 में था, अब ये क्लस्टर 1 में आ गया है। क्लस्टर 3 के जो पॉइंट्स हैं वो A2 2 एंड 5, और उसके अलावा ये पॉइंट, और साथ में सेकेंडली जो पॉइंट था हमारा A7 का दिस वन 1 एंड 2, ये दोनों पॉइंट्स क्लस्टर 3 में आ रहे हैं, और रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द सारे पॉइंट्स जो हैं उनका डिस्टेंस क्लस्टर 2 से कम आ रहा है, तो वो हम क्लस्टर 2 में साइन हो रहे हैं। तो ये एट द एंड ऑफ सेकेंड आइट्रेशन हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यूज़ हैं, यानी कि प्रीवियसली अगर हम कंपैरिजन कर लें तो कंपैरिजन में भी देखें कि प्रीवियसली हमारा जो क्लस्टर पॉइंट्स बन रहे थे वो इस तरह से बन रहे थे, अब ये वैल्यू जो है A8 की ये फर्स्ट क्लस्टर 2 में से निकल के ये क्लस्टर 1 में चली गई है। दिस इज़ अपडेटेड वैल्यू। इसी तरह से हम इस आइट्रेशन के एंड पे अगर हम सेंट्रॉइड्स को अपडेट करेंगे और उसके बाद आइट्रेशन 3 पे जाएंगे, तो हो सकता है कि ये वैल्यूज़ क्लस्टर हमारे मज़ीद रिफाइंड हों और अच्छे हों। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप पे क्लस्टर वैल्यूज़ अपडेट होती जाएंगी, और इसको हमने तब तक चलाना होता है जब तक कि हमारी सेंट्रॉइड की वैल्यू चेंज ना हो। यहाँ पे मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रही हूँ। नंबर 1 तो ये कि जो क्लस्टर 1 के पॉइंट आ रहे हैं ये और ये, इनका C1 C2 एंड C3 को प्रीवियसली जैसे उसके सेंट्रॉइड्स मैंने अपडेट किए थे, इनके भी सेंट्रॉइड्स इसी तरह से लिख के आपने अपडेट करने हैं, और उसके बाद सेंट्रॉइड अपडेट, जब एक दफ़ा सेंट्रॉइड आप तीनों के अपडेट कर लें तो इसी तरह से टेबलर फॉर्म में बना के आपने आइट्रेशन 3 एंड 4 आपने परफॉर्म करनी है और मुझे सबमिट करवाना है। सो प्रीवियसली इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, इसको भी अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज असाइनमेंट नंबर 4 आपकी कंसीडर होगी। आपने आइट्रेशन नंबर 3 सेंट्रॉइड को अपडेट करना है, उसके बाद आइट्रेशन नंबर 3 आपने कंप्लीट करनी है, उसके बाद दोबारा आप सेंट्रॉइड अपडेट करेंगे, और उसके बाद आइट्रेशन नंबर 4 परफॉर्म करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क कह लें या असाइनमेंट नंबर 4 कह लें।
असाइनमेंट नंबर 4 होगी या इसको आप होमवर्क कह लें, वट एवर। ठीक है जी, हाँ जी, लाइट भी चली गई है। सो ये आपने कंप्लीट करना है, टाइम आपको दे दूंगी 1 वीक का, थर्सडे तक इसको कंप्लीट कर लें। थर्सडे की क्लास में हम एक छोटा सा क्विज भी कर लेंगे के मींस के ऊपर। सो किसी चीज़ की समझ नहीं आती मुझे व्हाट्सएप कर दें इमेज के साथ, या मुझे आप ईमेल कर दें, तो होपफुली आपका टाइमली रिस्पॉन्स मैं दे दूँगी। अगर आप जूम सेशन चाहते हैं तो जूम सेशन भी हम इस पर कर लेंगे, लेकिन इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। जो लास्ट लेक्चर हमने इसके क्लस्टर्स के ऊपर किया था के मींस के ऊपर, और ये वाला जो क्लस्टर के ऊपर हमने आज का के मींस का लेक्चर लिया है, इन दोनों की आप प्रैक्टिस कर लें, असाइनमेंट कर लें, और उसके बाद हम अपना क्विज नंबर 4 करके वाइंड अप करेंगे अपने इस कंप्लीट सेमेस्टर को। जो हमारा कंप्लीट जितने भी हमने लर्निंग करनी थी वो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है।